नमस्कार स्पेशल रिपोर्ट को स्वागत करछि मु सुप्रिया। ओडिशा रे लोककथा अछि मा हेले पाठोई देश जीवो आगई। एही नारा को राज्य सरकार मर्मे मर्मे हृदयंगम करी शिक्षा पाई करछन्ती अनेक व्यवस्था। सरकारी विद्यालय रे छात्र मानको साइकिल थारो पोषाक पर्यंत मागणा रे जगाइ दे जाउछि। तेबे सरकारी विद्यालय रे शिक्षक अभावरु दिनक दिन ह्रास पाइबार लागिछि छात्रक संख्या। एभली दृश्य देखिबाक मिलिछि खोर्धा जिला टांगी बालिका उच्च विद्यालय रे। नारी शिक्षा रे प्रगति पाए 1968 मसिया रे टांगी रे स्थापित होइतला टांगी उच्च बालिका विद्यालय। स्थानीय शिक्षाविद विमला पटनायक एही विद्यालय रे थिले प्राण प्रतिष्ठाता। बहु घात प्रतिघात मध्ये रे विद्यालय गति करी 1994 मसिया रे घरोई विद्यालय रे होइतला सरकारी विद्यालय। एहा परे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ी विद्यालय रे पहुंचीतिला अनेक सफलता। 2002 मसिया रे विद्यालय खोर्धा जिला रे एक श्रेष्ठ विद्यालय भाबे माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा होइतला पुरस्कृत। तेबे गत किछि वर्ष हेब शिक्षक नथिबारु एही विद्यालय रे देखा दैछि अनेक समस्या। टांगी बालिका विद्यालय आम जिलार गोटे श्रेष्ठ विद्यालय रूपे परिगणित होता। यार परिवेश यार शैक्षिक वातावरण सबुथे ये श्रेष्ठत्व प्रतिपादित कर 2002 जिलार श्रेष्ठ विद्यालय रूपे सर्वांगीन उन्नति माध्यमिक शिक्षा परिषद तरफ पुरस्कृत होता एवं 100% रिजल्ट से होता। किंतु क्रमश राज्य सरकार निष्क्रियता जो एवं ये सरकारी शिक्षा प्रति अणदेखा करने जो केवल टांगी बालिका हाईस्कल नुहे राज्यर अधिकांश स्कूल शिक्षक प्रधान शिक्षक पदी पदवी खाली पड़ी। सरकार जो 5000 स्कूल सरकारी स्कूल अच्छी से 4000 हेडमास्टर नहांती। सब गुरुत्वपूर्ण विज्ञान शिक्षक इंग्रजी शिक्षक संस्कृत शिक्षक हिंदी शिक्षक पदवी गुड़िक सब खाली पड़ी। बालिका विद्यालय अवस्था सबुठारु शोचनीय। एठार प्रधान शिक्षक दीर्घ दिन ना विज्ञान शिक्षक नहांती कला शिक्षक गोटे पदवी ना संस्कृत शिक्षक तीन दिन डेपुटेशन जा हिंदी शिक्षक जा 6 दिनिया डेपुटेशन अच्छा एठू दरमा ने भुवनेश्वर कपिल प्रसाद में कम करेंगे। तेणु क्रमश पिलांगर संख्या कमे गार्डियन मैंने दावी कले जेहेतु ये पाठ पढ़ा होना शिक्षक अभाव आम पिलांगर सर्टिफिकेट देद आम नहीं स्कूल में पाठ पढ़े या जी सरकार किसी न करे तो ये विद्यालय गुड़िक क्रम मान स्वतः बंद हो गोटा। प्रथम स्वर्गत विमल पट्टनायक शिक्षाविद से टांगी रे विद्यालय टी 1968 मसीह आरंभ करते यहाँ हूँ प्रथम विद्यालय। अवश्य परवर्ती समय कुहुड़ी एक विद्यालय जोटा साहयप्राप्त किंतु यहाँ हूँ प्रथम विद्यालय और ता सरकारी 1994 मसीह 7/6/1994 मसीह सरकारी किंतु यह महिला महाविद्यालय रूपे परिगणित होवार कथा ये जिते सब अच्छा विभिन्न ये शिक्षानुषान किंतु यह क्रमश ध्वंस मुख को जाऊँ। टांगी ब्लॉक रे टांगी बालिका उच्च विद्यालय एकमात्र सरकारी बालिका विद्यालय। एठारे षष्ठ श्रेणी रु दशम श्रेणी रे 200 रु अधिक छात्री पाठ पढ़ी थांती। एही विद्यालय रे प्रधान शिक्षक पदवी दीर्घ दिन हम खाली पड़ी। से हिंदी विज्ञान सहित अन्य दुईट विभाग में शिक्षक पदवी खाली पड़ी। तेरे एभली स्थित विद्यालय जड़े मात्र संस्कृत शिक्षक को अन्यत्र विद्यालय एक डेपुटेशन में पठा दी जाएगी जहाँकि विभाग नारी शिक्षा प्रति वैराग्य भाव को सूचाई दूसरी। एभली स्थित छात्री मैंने किभली अध्ययन करेंगे ता भगवान को जना। बेले बेले पाने दिन को गोटे बा दुईटी क्लास कर घर को फेर देखा मिली। गणशिक्षा विभाग तुरंत एप्रति दृष्टि देवाक साधारण दाबी हो नचे टांगी अंचल में नारी शिक्षा अंधार को ठेली होगी आशंका कर। टांगी बालिका उच्च विद्यालय शिक्षक ना प्रधान शिक्षक नमर हिंदी शिक्षक बाहर को पड़ा डेपुटे विज्ञान शिक्षक ना कोई शिक्षक ना जड़े मात्र शिक्षक अच्छा सी षष्ठ सप्तम अष्टम पिला पढ़ुं पाने बहुत असुविधा पढ़ुं बर्तमान से पढ़ा कोई राजी नुहत दिन दिन पिला संख्या कमी जा आगुरी थी 220 बर्तमान टोटाल 200 अच्छा पंचम टू षठ टू दशम जाए क्लास ठीक से पढ़ापढ़ी होने
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଦିନେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ଆଉ, ସେଥିରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବେ, ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି, ଘରେ ଯାହା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଆଉ, କ୍ଲାସ୍ରେ ଜମା କିଛି ପଢ଼ା ହେଉନି ଆଉ। ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ, ଦୃଷ୍ଟି ନଦେଲେ ଆମେ ସବୁ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ବସିବୁ, ଧାରଣା କରିବୁ ଆଉ, ସମସ୍ତେ ଡାକିକି ଆଉ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା, କାହିଁକି ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋ ଝିଅ ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ ବି ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟର। ଆଉ ଏଠି ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ପୁରା କମ୍, ଶିକ୍ଷକ ସର୍ଟେଜ୍ ଯୋଗୁଁ ଏଠି ପାଠପଢ଼ା ପୁରା ମାନେ ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି। ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦେଇଦେଲେ ପିଲା ଆସିବେନି କି ଶିକ୍ଷିତ ହେବେନି, ପିଲାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁକରି ସରକାର ବି ଆଉ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ପିଲା ଏଠି ଶିକ୍ଷିତ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ସରକାର ଚାହୁଁନ୍ତୁ ଏଠି ମୂର୍ଖ ପିଲା ବାହାରନ୍ତୁ, ମେନ୍ ତ ଶିକ୍ଷକ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆମେ ବି ଅଭିଭାବକମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ, ଯଦି ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷକ ସରକାର ନ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଏବଂ ରାଜକୀୟ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ହଁ, ସରକାର ଏଠି ନାରୀ ସରକାର ନିୟମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନାରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ, ନାରୀଙ୍କ ପ୍ରଗତି କରୁଛୁ, କାହିଁ ଏଠି ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟଟାକୁ ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏଠି କି ଶିକ୍ଷା ମାନେ ନାରୀଙ୍କର କି ପ୍ରଗତି ଏଠି ହେବ, ସରକାର ବି ଫେଲ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ରାକେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି।